गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस और इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है ये इंश्योरेंस और इंश्योरेंस। आपको स्टार्ट कर रही हूँ मैं, इनमें हम अंतर देखेंगे। बेटा देखो, सबसे पहले तो मैं आपको इनका मीनिंग बता रही हूँ, इंश्योरेंस और इंश्योरेंस। देखो, इंश्योरेंस किसको कहते हैं? इंश्योरेंस जो है वो क्या है, जीवन बीमा का, जो जीवन बीमा करते हैं उसका इंश्योरेंस बोलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर क्या है, हानि निश्चित होती है, ठीक है। इसमें हानि निश्चित होती है और पैसा मिलता ही मिलता है, या तो घटना के घटित होने पर या उसका टाइम पीरियड व्यतीत, दोनों में से जो पहले हो जाए तब, ठीक है। और जो इंश्योरेंस वर्ड है वो क्या है, वो क्षतिपूर्ति बीमा के लिए होता है, ठीक है। इंश्योरेंस जो है वो क्षतिपूर्ति बीमा के लिए होता है। इसके अंदर क्या है, हानि निश्चित नहीं होती, इसमें हानि की संभावना पाई जाती है, ठीक है। जैसे हम कोई भी क्षतिपूर्ति बीमा करवाते हैं वो सारे इंश्योरेंस के अंदर आते हैं, ठीक है। और जिसके अंदर हानि निश्चित होती है, जैसे जीवन बीमा निगम, वो क्या है, उसको इंश्योरेंस, जीवन बीमा को इंश्योरेंस बोलते हैं और क्षतिपूर्ति बीमा को क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस बोलते हैं। तो इसके अंदर हानि निश्चित होती है और इसके अंदर हानि निश्चित नहीं होती, हानि की संभावना होती है, ठीक है। लेकिन अभी तक तो बेटा देखो यही था, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो दो वर्ड हैं ये इंग्लैंड के अंदर तो क्या है, दोनों को अलग अलग माना जाता है, और अमेरिका के अंदर क्या है, इन दोनों वर्ड्स को समान माना जाता है। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है कि चाहे कोई जीवन बीमा निगम है या कोई क्षतिपूर्ति बीमा है, दोनों बीमा को क्या है, इंश्योरेंस वर्ड ही दिया गया है, दोनों को क्या है, इंश्योरेंस वर्ड ही दिया गया है। हाँ, इनमें बस सिर्फ जीवन बीमा और क्षतिपूर्ति बीमा के में अंतर तो होता है, जो भुगतान प्राप्त होता है वो है, लेकिन वर्ड जो है वो इंडिया के अंदर इंश्योरेंस वर्ड ही दिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर क्या है, जो अंतर होते हैं वो मैं आपको हर पॉइंट्स को लेकर आपको अंतर बताऊँगी। सबसे पहले मैं क्या पॉइंट ले रही हूँ, प्रयोग, इनका प्रयोग को क्या अंतर क्या है, इनका प्रयोग क्या है। देखो, इंश्योरेंस वर्ड का क्या है, मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग कहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर हानि निश्चित होती है, ठीक है, जैसे जीवन बीमा निगम के अंदर। और उसमें क्या है, इंश्योरेंस के अंदर, इसमें हानि निश्चित नहीं होती, हानि की संभावना होती है। क्षतिपूर्ति बीमा के लिए क्या है, इंश्योरेंस जो शब्द है वो प्रयोग किया जाता है। लेकिन आजकल मैं आपको बताया, मैंने आपको जैसे इंडिया के अंदर जीवन बीमा निगम के अंदर भी क्या है, इंश्योरेंस वर्ड यूज़ होने लग गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, इसका प्रयोग। नेक्स्ट क्या है, जोखिम। जोखिम को हम देखें तो इसमें क्या है, इंश्योरेंस के अंदर तो क्या है, जोखिम निश्चित होती है, तो हमें भुगतान भी हमें मिलता ही है, ठीक है। और इंश्योरेंस के अंदर क्या है, जोखिम होगी तो हमें भुगतान मिलेगा, अदरवाइज हमें भुगतान नहीं मिलता, ठीक है। आगे है बीमा की राशि की प्राप्ति। भी क्या है, बीमा की राशि की प्राप्ति कब होगी, कि जीवन बीमा के अंदर तो क्या है, हमें बीमा की राशि पक्का मिलनी ही मिलनी है, लेकिन इंश्योरेंस के अंदर क्या है कि अगर घटना घटित होगी तो हमें पैसा मिलेगा, अदरवाइज हमें पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। और पैसा भी कितना मिलेगा हमें, घटना के घटित होने पर जितने हमारी प्रीमियम है, हमारी प्रीमियम तक ही हमें जितना हमें नुकसान हुआ है, जितना घटना घटित हुई है उसके अकॉर्डिंग ही हमें पैसा मिलता है। नेक्स्ट के बीमा राशि की मात्रा, वही मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ, मात्रा में क्या है कि जीवन बीमा के अंदर तो क्या है, हमें पूरा पैसा प्राप्त होता है जितना हमने अपना इंश्योरेंस करवाया है LIC का, जीवन बीमा निगम का, ठीक है। लेकिन क्षतिपूर्ति बीमा के अंदर क्या है, इंश्योरेंस के अंदर, कि जितना नुकसान होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या है, पैसा मिलता है, ठीक है। पैसे अपने जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर ही हमें क्या है, पैसा मिलता है। आगे क्या है, विनियोग तत्व। देखो, इंश्योरेंस के अंदर तो क्या है, जीवन बीमा है हमारा, तो इसके अंदर क्या है, जीवन बीमा तो हमारे लिए क्या है, एक विनियोग तत्व है, एक तरह से हमारा एक इन्वेस्टमेंट का साधन माना जाता है, फॉर फ्यूचर, जैसे भविष्य के अंदर हमारे काम आता है या हमारे बच्चों के काम आता है, तो इसलिए इसको क्या है, एक विनियोग तत्व माना गया है। लेकिन इंश्योरेंस के अंदर अगर हम विनियोग तत्व देखें तो वो हम विनियोग तत्व उसको नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें क्या, घटना होगी तो पैसा मिलेगा, अदरवाइज पैसा नहीं मिलता। क्षेत्र, देखो
इंश्योरेंस का तो क्या है, क्षेत्र सीमित है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केवल क्या है, जीवन बीमा ही किया जाता है। और इंश्योरेंस का क्षेत्र क्या है, वाइड है, विस्तृत है। इसके अंदर क्या है, क्षतिपूर्ति बीमा, सभी तरह के अग्नि बीमा, समुद्री बीमा आपको पहले बताया है, ठीक है, व्हीकल्स के बीमा और अलग अलग, कोई चोरी बीमा, कोई विश्वसनीयता का बीमा, कोई झोपड़ी का बीमा, कोई चिकित्सा बीमा, बहुत से, और पशुओं का बीमा, फसलों का बीमा, बहुत से बीमा होते हैं। तो इसलिए क्या है, इंश्योरेंस का क्षेत्र सीमित है और इंश्योरेंस का क्षेत्र जो है वो क्या है, वाइड है, विस्तृत है। आगे है क्षतिपूर्ति सिद्धांत, कि इंश्योरेंस जो है उसमें क्या है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो हमें पैसा मिलना ही मिलना है, ठीक है, तो उसमें क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता। और जबकि इंश्योरेंस जो है उसके अंदर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्षतिपूर्ति, क्षति होगी तो पैसा मिलेगा, अदरवाइज पैसा नहीं मिलता, क्षति की पूर्ति क्षति होने पर ही होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इंश्योरेंस के अंदर क्या है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। आगे है शब्दों का संबंध। देखो इंश्योरेंस के अंदर तो क्या है, जो बीमित है, ठीक है, वो क्या है, बीमाकर्ता जो है वो बीमित को क्या करता है, आश्वस्त करता है पूरी तरह से कि उसको पैसा मिलना ही मिलना है। और इंश्योरेंस के अंदर क्या है, बीमित व्यक्ति खुद क्या है, अपनी सुरक्षा के लिए क्या है, खुद बीमा करवाता है, ठीक है। आगे क्या है, शब्दों का अर्थ, कि इंश्योरेंस के अंदर तो क्या है, इंश्योरेंस के अंदर क्या है, बीमा के सिद्धांत को नोटिस किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। और इंश्योरेंस के अंदर क्या है, कि बीमा की प्रक्रिया को इसके अंदर नोटिस किया जाता है। तो ये बेटा इंश्योरेंस और इंश्योरेंस वर्ड के अंदर अंतर के, जो इन पॉइंट्स को लेके मैंने आपको अंतर बताए हैं, तो आप ये सभी बेटा रीड कर लेना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो किसी भी पॉइंट के अंदर डिस्कस करना हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, लेकिन जो प्रॉब्लम हो बेटा साथ के साथ अपनी क्लियर करना, ठीक है। डाउट कोई भी अपना मन में मत रखना। ओके बाय बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे।